अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमारे पास दो फैक्टर थे। एक था एम्पलीट्यूड कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, साउंड को किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक था एम्पलीट्यूड और एक था आपके पास एरिया, ठीक है। उसमें हमने एक पिच पढ़ा था, पिच और फ्रिक्वेंसी के बारे में पढ़ा था कि श्रिल और ग्रेव साउंड किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही पिच ज़्यादा होगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम पिच होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट वन है वो है क्वालिटी, कि साउंड हमेशा किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी पे डिपेंड करती है। अब क्वालिटी का जो हमारे पास ताल्लुक है वो है इंस्ट्रूमेंट से है, ठीक है, कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से किस तरह की वेव्स बनेंगी, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। ये साउंड की वो खसूसियत है जिससे हम दो तरह की साउंड के दरमियान में डिफरेंस कर सकते हैं, अगर उनकी लाउडनेस भी सेम है और उनकी पिच भी सेम है, ठीक है। दो आवाज़ें हैं, उनकी लाउडनेस और उनकी पिच सेम है, लेकिन हमें फिर भी उनके दरमियान में फ़र्क मालूम करना है, तो वो फ़र्क किससे मालूम होगा, क्वालिटी से, यानी कि इंस्ट्रूमेंट से, कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। लाइक टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस सेम पिच, दो आवाज़ें हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी साउंड है, बट फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन वो किससे आ रही हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स से आ रही हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे फ़र्क, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स से समझाती हूँ। मेरे पास तीन वेव्स हैं, ठीक है, तीनों वेव्स का अगर आप मीन और एक्सट्रीम पॉइंट्स देखें तो सेम है, लेकिन वेव्स डिफरेंट हैं, ठीक है। एक वेव ये है, वेव एक है, ठीक है, लेकिन वेव्स के स्टाइल आप देखें डिफरेंट हैं, ठीक है। मीन्स कि इनका एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, एम्पलीट्यूड आप देखें सेम है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इनकी सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी इनकी, यानी कि एक एक वेव है, ठीक है, मल्टीपल वेव्स नहीं है, तीनों वेव्स एक हैं, लेकिन वेव फॉर्म क्या है, डिफरेंट हैं, स्टाइल इनकी क्या है, डिफरेंट हैं। अब एक अगर ट्यूनिंग फोक की वेव है तो दूसरी वॉयलिन की है और तीसरी पियानो की है, ठीक है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन इनकी क्वालिटी डिफरेंट हैं, तीनों डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। जब दो वेव साउंड वेव्स जिनकी लाउडनेस और पिच सेम होगी, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये क्या थी, क्वालिटी।